हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल हिमाचली नीलम किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो जैम, जो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आता है। इसे चाहे ब्रेड या चपाती किसी भी चीज के साथ लगा के खा सकते हैं। ये जितना खाने में टेस्टी होता है, बनाने में उतना ही इजी होता है। तो चलिए कर लेते हैं तैयारी। आम का जैम बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं दो आम, जिनका वजन कम से कम 300 ग्राम है। ये देखने में बाहर से हरे हैं, लेकिन ये अंदर से लाल आम है। अब इनको हम छील के अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। तो आम हमने काट लिए हैं, अब इसको हम डालते हैं मिक्सर जार में। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। मैंगो का हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हमने गैस के ऊपर रख ली है कढ़ाई। अब मैंगो के पेस्ट को हम डाल रहे हैं कढ़ाई में। मैंने 300 ग्राम मैंगो लिए थे, अब मैं इसमें 150 ग्राम जो है चीनी ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ में ली है मैंने दालचीनी दो टुकड़े छोटे छोटे। दालचीनी का टेस्ट जो है जैम में बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे लाते रहेंगे। तो जैम जो है हमारा पक्के तैयार होने वाला है। इससे बबल उठने शुरू हुए हैं और इसके छींटे जो है बाहर निकल रहे हैं। मैंगो का जैम में बहुत अच्छा कलर आया है। अगर आप इसमें फूड कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने लिया है आधा नींबू का रस। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारी चीनी जो है जैम में जमे नहीं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं जैम को आपको चेक करके बताऊंगी कि हमारे कैसा पता चलेगा कि जैम जो है हमारा पक चुका है। अब मैंने ले ली है प्लेट, इसमें हम थोड़ा सा जैम जो है डालेंगे। और अगर हमारा जैम जो है नीचे गिरा तो इसका मतलब हमारा जैम जो है पका नहीं है। अब हमारा जैम जो है बिल्कुल जमने लगा है, तो इसका मतलब हमारा जैम जो है पक्के रेडी। हमें इसे बिल्कुल सख्त नहीं करना है। हमारा जैम जो है बन के रेडी हो चुका है। अब कर लेंगे इसे हम बंद। अब हम जैम को एक टोरी में निकालेंगे। आप मैंगो जैम को बना के 6 महीने तक एक कंटेनर में भर के यूज कर सकते हैं।